मील थी मिल रहा था तो माल भी मिल रहा था, सबको लात मारा मैं। तो आज मैं भी यही बोलता हूं, ये जो साजिशें कर रहे, आज मेरी लड़ाई जो है वो सिर्फ भाजपा से नहीं है। इन लोग अंदर अंदर साजिश कर रहे हैं कि कुछ भी करो भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन ये कैसा हो सकता है कि शतरंजी बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बोलने वाले हमारे बाजू में आके बैठेंगे। इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि सब एक हो जाओ, सब एक तरफ आ जाओ, लेकिन ये फारूक शांति को हरा दो, क्योंकि ये फारूक शांति है ना पीका है ना कभी पीकेगा इंशाल्लाह। खुद की इज्जत पाना है हमको, अपना आत्मसम्मान वापस लेना है। क्या वफा नहीं किए, क्या वफादारी नहीं किए? लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूं, मैं भी आज इस सभा में यही बोलता हूं कि मेरे साथ अल्लाह है। सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघातून MIMचे उमेदवार फारूक शाब्दी यांचा प्रचार जोरात सुरू आहे। जागोजागी कॉर्नर मीटिंग, जाहीर सभा, पदयात्रा असे अनेक प्रचार यंत्रणा होत असताना दिसत आहे। फारूक शाब्दी यांनी आपल्या भाषणात बोलताना म्हणाले की मला समाजाने मला एकदा निवडून द्या, मी शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करण्याची हमी देत आहे। काही विरोधक आपलेच आहे, परंतु त्यांनी माझ्या विरोधात अपप्रचार करीत आहे, खोटे नाटे आरोप करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु नागरिक फार हुशार आहे, विरोधकांचे खोटे नाटे आरोप धुडकावून लागतात, माझ्यावर बिनबुड्याचे आरोप करीत आहे। मी समाजाच्या हितासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती आहे। आज सोलापुरातील 12 इमाम चौक, मुस्लिम बादशाहपेठ आणि बेगमपेठ या ठिकाणी त्यांची जाहीर सभा कॉर्नर मीटिंग आयोजित करण्यात आली होती। या कार्यक्रमात हजारो संख्येने नागरिक उपस्थित होते। व्हिडिओ पूर्ण पहा, ब्युरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मैं भी आज इस सभा में यही बोलता हूँ कि मेरे साथ अल्लाह है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने यह असबाब बनाया। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, अल्लाह लोगों के दिल में दिमाग में ये समझ दिया है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या जुलूम है, क्या इंसाफ है, क्या सच्चाई है, क्या नफरत है, क्या मोहब्बत है, ये सब अल्लाह दिलों में डालने वाला है। आज उसी की वजह से मेरे सामने आज इतने सारे लोग हैं, मेरे स्टेज पे आज इतने सारे जिम्मेदार लोग हैं। मैं जहां जा रहा हूं वहां लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, और ये बता दूं, ये जो जातिवादी 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 बोलते हम लोग को, कान खोल के सुन लो, फारूक शाब्दी को खाली मुसलमान लाइक नहीं कर रहे, फारूक शाब्दी को पद्मसारी भी लाइक कर रहे हैं, लोधी भी लाइक कर रहे हैं, मोची भी लाइक कर रहे हैं, दलित भी लाइक कर रहे हैं, लिंगायत भी लाइक कर रहे हैं। और बोलूं, इनको चक्कर आ गई है क्या, इसके पास कौन सा चिराग है क्या मालूम, गए बराबर फिराता है, लोग उसके कब्जे में आ जाते हैं। अरे दिल साफ है, दिल जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो जबान पे है। कभी पंजा छक्का नहीं किया फारूक शाब्दी ने, ये लोग ये राजनीति को आपस में झगड़े लगाने का, तोड़ पानी करने का, गरीब मजलूम को सताने का, अपना घर चलाने का, अपनी दुकानदारी चलाने का एक असबाब बना लिए। मैं आप लोग से बोलता हूं, अपने लिए ना सही, मेरे घर में बैठी है हमारी मां बहनों के खातिर,
ये छोटे छोटे बच्चों के खातिर इस बार बदल करो भाई। एक मौका मिला है, देखो इसको जाने मत दो अपने हाथ से। आपसी इख्तलाफ छोड़ दो, रंजीश छोड़ दो। मैंने कोई गलती किया रहूंगा शायद, मेरे को हाथ छोड़ के माफी मांग रहा हूं, मेरे को माफ करो, लेकिन इसकी सजा पूरे सोलापुर के वासियों को मत दो, इसकी सजा हमारे आने वाले बच्चों को मत दो। तो मेरे को ज्यादा टाइम दिया करो भाई भाषण करने। आज यहां पर जो बारा इमाम चौक है, ये सिर्फ नाम ही काफी है, जिसके नाम में बारह इमाम है, बारह इमाम आज सोलापुर में मुहर्रम हो, ईद मिलाद हो, रात की कव्वाली हो, बाबा ताज भी यहां चले, आज बारह इमाम से ही सब शुरू होता है। आज मैं भी यहां खड़े होकर यहां मैं भाषण कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अपनी भी शुरुआत हो गई है भाई लोग। मैं कोई नेता नहीं, मैं जीत जाऊंगा तो भी नेता नहीं, मैं जीत भी गया इंशाल्लाह तो तुम्हारा भाई तुम्हारा बच्चा ही रहूंगा हमेशा। फारूक शाब्दी है ना, पीका है ना कभी पीकेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक वो बोल रहे, अरे जरा तो बोलो, मेरे को मत बोलो चलेगा, मेरे को चोट तो मत लगाना है, लगाओ चलेगा। लेकिन आप लोग की मेहनत दिन रात एक की है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मैं जो सऊदी से आए, कनाडा से आए, अमेरिका से आए, लंदन से आए। क्यों? क्योंकि भाजपा को हराने का था। तो क्या आप लोग एक शुक्रिया था क्या हकदार नहीं है क्या? लेकिन मैं आप लोग से पूछता हूं, क्या आप लोग का शुक्रिया अदा किया गया? फिर भी सिरेंगे, बहुत बड़े दिन वाले आप लोग, कुछ याद नहीं रखते। क्या वफा नहीं किए? क्या वफादारी नहीं किए? सालों साल तक तो छोड़ो, सदियों तक, 50 साल से हम लोग। आप मुझको एक ही बटन दबाए, दबाए क्या नहीं दबाए, मैं भी दबाया, मेरे खानदान वाले भी दबाए, मेरे बाप दादा भी दबाए। लेकिन बदले में हमको मिला क्या? क्या मिला बदले में? क्या चाह रहे थे आप लोग? क्या आप लोग को नीति होना था, पैसे होना था? क्या अपने अपने कामा ले को गए थे? कामा की तो बात करो मत, यहां से रस्ते नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। अरे हमको खाली, हमने जो तुम्हारे साथ वफा किए उसका इनाम चाहिए था, और वो इनाम ये था कि जब कभी भी हमारे खिलाफ बात हो, हमारे साथ नाइंसाफी हो, हमारे हुकूक छीना जाए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो, हमारे रोजगार की बात हो, हमारे शहर की बात हो, तो आप मुंह खोल के आवाज उठाएंगे। लेकिन बदले में हमको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। क्या हुआ अभी हाल फिलहाल के दिनों में, जब वक्त वोट की बात आई, जब हमारी पुश्तैनी पुरखों की जमीनें जो उन्होंने वक्फ की थी ताकि हमारी मस्जिदें आबाद रह सके, हमारे दीन का काम चल सके, हम यही चाहेंगे ना कि हम जिसको इख्तदार देते हैं वो हमारे लिए आवाज उठाए। लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई थी। क्या हुआ जब CAA NRC आया,
क्या हुआ जब हिजाब का मुद्दा आया, क्या हुआ जब हमारे लोगों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया, किसने आवाज उठाया? है जवाब आपके पास? एक बंदे का नाम छोड़ के दूसरा नाम है आपके पास? अगर हमारे ऊपर होते हुए जो जुल्म है, मुसलमानों की आवाज उठाना, दलितों की आवाज उठाना, पिछड़ों की आवाज उठाना, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर ये लोग जातिवाद समझते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो समझना है समझो, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और यही काम करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज पार्लियामेंट में है। वो एक अकेला शख्स, हाल फिलहाल के दिनों में देखेंगे कोई तो बिल के खिलाफ वोटिंग करने का दिन आया था तो सिर्फ दो लोग खड़े रहते वोट करने के लिए, वो थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब। ओम बिरला स्पीकर थे हाउस में, वो बोले अरे तुम तो दो है, 542 तो एक तरफ है। तो असद साहब ने बोले थे कि मेरे साथ अल्लाह है। तो आज मैं भी यही बोलता हूं, ये जो साजिशें कर रहे हैं, आज मेरी लड़ाई जो है वो सिर्फ भाजपा से नहीं है। इन लोग अंदर अंदर साजिश कर रहे हैं कि कुछ भी करो भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन ये कैसा हो सकता है कि शतरंजी बिछाने वाले, कुर्सियां लगाने वाले, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बोलने वाले हमारे बाजू में आके बैठेंगे? इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि सब एक हो जाओ, सब एक तरफ आ जाओ, लेकिन ये फारूक शादी को हरा दो।